गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक इज थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी। आज का हमारा टॉपिक है थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी। बेटा, इसी टॉपिक में हमने जो पिछले टॉपिक में किया था वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की थी। आज बेटा हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के बाद स्टेट कमीशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी में हमारी गवर्नमेंट जो तीन लेवल पे जजमेंट देती है उसमें पीछे हम नेशनल लेवल आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम कर चुके हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कर चुके हैं। अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट कमीशन। अब बेटा, स्टेट कमीशन है क्या, इसे अपॉइंट कौन करता है, इसकी फीचर्स क्या हैं, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। स्टेट कमीशन क्या है? वन स्टेट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट। बेटा, हर स्टेट में हमारी स्टेट की गवर्नमेंट एक स्टेट कमीशन को अपॉइंट करती है। क्या? हर स्टेट में स्टेट की गवर्नमेंट एक स्टेट लेवल के कमीशन को अपॉइंट करती है। इट्स मेन फीचर्स आर एज फॉलोस। इसकी मेन क्वालिटीज क्या क्या हैं जो नीचे दी गई हैं, उसमें सबसे पहले इसकी क्वालिटी क्या है, इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ थ्री मेंबर्स इंक्लूडिंग वन प्रेसाइडिंग ऑफिसर। इसमें भी बेटा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की तरह तीन मेंबर हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में तीन मेंबर थे, स्टेट कमीशन में भी यहाँ पर तीन मेंबर हैं। उन तीन मेंबर में एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर को इसमें इंक्लूड किया गया। इन तीन मेंबर्स में एक मेंबर प्रेसाइडिंग ऑफिसर है। ऑफ दीज वन मस्ट बी अ लेडी मेंबर। इन तीन मेंबर में एक तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है और एक लेडी मेंबर का होना कंपलसरी है। इन तीन मेंबर में एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर था और एक लेडी मेंबर का होना जरूरी है। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इन्हें अपॉइंट करने का काम कौन सी सरकार करती है? स्टेट की गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करने का काम करती है। द पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसाइडिंग ऑफिसर मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑनरेबल जज ऑफ द हाई कोर्ट। बेटा, यहाँ पर जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा उसकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज की क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट होगी। क्या? यहाँ पर जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा उसकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज की क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट होगी। फिर से सुन लीजिए बेटा, स्टेट कमीशन की पहली क्वालिटी क्या है? स्टेट कमीशन में तीन मेंबर होंगे, उन तीन मेंबर में एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा, एक लेडी मेंबर का होना जरूरी है, इन्हें अपॉइंट करने का काम स्टेट की गवर्नमेंट करती है, और जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा उसकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज की क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट यहाँ पर प्रेसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन होगी। सेकंड पॉइंट है, स्टेट कमीशन रिड्रेसेस ग्रीवियंसेस इन्वॉल्विंग अ सम एक्सीडिंग ₹20 lakh एंड अप टू ₹1 crore। स्टेट कमीशन में जो मुकदमे दायर किए जाएंगे, जिन मुकदमों की सुनवाई होगी, उनके जो मामले हैं ₹20 lakh से ऊपर और ₹1 crore से नीचे के मामले होंगे। फिर से सुन लीजिए, स्टेट कमीशन में
जो मामलों की सुनवाई की जाएगी उनमें जो मामले होंगे वो 20 लाख रुपए से ऊपर और 1 करोड़ रुपए से नीचे के मामलों की यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। थर्ड, वंस द कंप्लेंट इज एडमिटेड नोटिस इज इश्यूड टू द अदर पार्टी। एक बार जब कंप्लेंट को एडमिट कर लिया जाता है तो ऑपोजिट वाली जो अदर पार्टी है उसे नोटिस भेजा जाता है। फिर से सुन लीजिए, एक बार जब कंप्लेंट को एडमिट कर दिया जाता है तो नोटिस जो ऑपोजिट पार्टी है या अदर पार्टी है उसे नोटिस इशू किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है। इफ नेसेसरी गुड्स आर एग्जामिन्ड, अब बेटा जो गुड्स जिनकी हमने जांच पड़ताल करनी है, टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग के बाद इफ प्रूव्ड डिफेक्टिव, यदि उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट पाया जाता है, लाइक द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म द स्टेट कमीशन कैन इशू वन आर मोर डायरेक्टिव्स टू द एक्यूज्ड पार्टी। अब बेटा यहाँ पता चल गया टेस्टिंग के दौरान कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, तो बेटा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की तरह स्टेट कमीशन भी एक या एक से ज्यादा डायरेक्टिव्स एक्यूज्ड पार्टी को इश्यू करती है। तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की तरह स्टेट कमीशन एक या एक से ज्यादा डायरेक्टिव जो एक्यूज्ड पार्टी को इश्यू किए जाते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। प्रोडक्ट का डिफेक्ट है तो डिफेक्ट दूर किया जाता है, यदि प्रोडक्ट के डिफेक्ट होने के बावजूद यदि प्रोडक्ट को उसकी जगह रिप्लेस करना है तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दिया जाता है, और यदि कोई अपना रिफंड मांगता है, पैसा वापस मांगता है, तो उसे पैसा वापस किया जाता है, और यदि कोई कंज्यूमर कहता है कि मेरा इतना कंपनसेशन है, मुझे कंपनसेशन चाहिए, तो उसे कंपनसेशन दिया जाता है। उसके बाद इफ आइदर ऑफ द पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन इट कैन फाइल एन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। बेटा यहाँ पर स्टेट लेवल के कमीशन में यदि कोई कंज्यूमर यहाँ के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता तो बेटा स्टेट कमीशन की जजमेंट आने के 30 दिन के अंदर वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है, वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है। एंड द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज फर्दर। अब बेटा नेशनल कमीशन के बाद वो आगे किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता, वो चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब उसे यहाँ जो जजमेंट मिलेगी उसी जजमेंट से अब उसे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, लास्ट पॉइंट क्या है कि बेटा यहाँ पर स्टेट लेवल के कमीशन पे यदि कोई कंज्यूमर जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो बेटा स्टेट कमीशन की जजमेंट आने के 30 दिन के अंदर अगली कोर्ट नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है, लेकिन नेशनल कमीशन के बाद वो आगे कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, उसे नेशनल कमीशन की जजमेंट से ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, चाहे जजमेंट उसे सही लगती है या जजमेंट उसे सही नहीं लगती। तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया बेटा, 3-टायर जुडिशियल मशीनरी में स्टेट कमीशन किया। क्या था स्टेट कमीशन? हर स्टेट में स्टेट की गवर्नमेंट एक स्टेट कमीशन को अपॉइंट करती है। स्टेट कमीशन की फीचर्स क्या हैं? 3 मेंबर्स हैं, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एक लेडी मेंबर का होना जरूरी है, उसके बाद इन्हें अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी।
यहाँ के प्रेजाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज की क्वालिफिकेशन के बराबर होनी चाहिए। स्टेट कमीशन में जो मामले लिए जाते हैं 20 लाख रुपए से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे के मामले होते हैं। एक बार जब कंप्लेंट एडमिट कर दी जाती है तो ऑपोजिट पार्टी को नोटिस भेजा जाता है। यहाँ पर भी बेटा जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में था वैसे ही स्टेट लेवल के कमीशन में एक या एक से ज्यादा डायरेक्टिव्स को एक्यूज्ड पार्टी को इश्यू किया जाता है। अब यहाँ पर स्टेट लेवल के कमीशन में कोई पार्टी जज की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो जजमेंट होने के 30 दिन के अंदर वो अगली कोर्ट में अपील कर सकती है और वो अगली कोर्ट है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन से वो आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती, उसे नेशनल कमीशन तक ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक हमारा स्टेट कमीशन था। थैंक यू बेटा।